नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे वीकेएम में होने वाले 2 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता यानी 2-डे एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन 2023 पर बात करने आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, स्पोर्ट्स जो कमेटी का एक मेंबर होने के नाते मेरी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वीकेएम में होने वाले स्पोर्ट्स से संबंधित अपडेट्स को आपके साथ साझा करूं। प्रिय विद्यार्थियों, वीकेएम बीएचयू में प्रति वर्ष 2 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार इसका आयोजन 20 से लेकर के 28 फरवरी 2023 के बीच में किया जाएगा। संभवतः 24 और 25 जनवरी को इसके आयोजित होने की पूर्ण संभावना है। इसमें 2 तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। एक सामूहिक गेम जिसके अंतर्गत कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल को शामिल किया गया है, के साथ साथ दूसरे तरह का जो गेम है वह इंडिविजुअल गेम के रूप में आयोजित किया जाता है। और इंडिविजुअल गेम में रेस, बैडमिंटन, चेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉट पुट, कैरम और ताइक्वांडो के साथ लगभग 1 दर्जन से भी अधिक गेमों का खेलों का आयोजन इस 2 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता में किया जाएगा। वसंत कन्या महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्या प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव महोदया के प्रति भी मैं दिल से पूरी खेल समिति के तरफ से एवं पूरी छात्राओं के तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने न सिर्फ गेम के रूप में टेबल टेनिस को शामिल करने की अनुमति खेल समिति को दी, इसके साथ ही साथ आपने ताइक्वांडो जो प्रशिक्षण है इसको सभी छात्राओं यानी यूजी और पीजी के सभी छात्राओं को सीखने के लिए अनिवार्य कर दिया है। यह आपके खेल के प्रति रुचि, खेल के प्रति लगाव और खेल के बढ़ते हुए महत्व को प्रदर्शित करता है। इसके लिए मैं अपनी पूरी खेल समिति के सदस्यों के तरफ से, पूरी छात्राओं के तरफ से आपको दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न तरह के खेलों के प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय में 2 प्रशिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है, ट्रेनर को भी नियुक्त किया गया है, जिसमें एक श्री धीरज कुमार जी और दूसरे श्री ओपी चौरसिया जी हैं। ओपी चौरसिया जी को खास तौर पर ताइक्वांडो के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया है महाविद्यालय की तरफ से, जबकि श्री धीरज कुमार जी विभिन्न तरह के खेलों के लिए छात्राओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप दोनों जो ट्रेनर हैं, श्री धीरज कुमार जी और श्री ओपी चौरसिया जी, आप महाविद्यालय में प्रतिदिन 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक सुबह उपस्थित रहते हैं। इनसे आप मिल करके तरह तरह के गेमों में प्रशिक्षण ले सकती हैं, आप सीख सकती हैं। किसी तरह की समस्या या किसी तरह की जानकारी आपको विशेष रूप से लेना है तो आप वीकेएम स्पोर्ट्स कमेटी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जो खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आप सभी छात्राओं को आदरणीय प्राचार्या महोदया, आदरणीय प्रबंधक महोदया और आदरणीय जो मुख्य अतिथि महोदय या महोदया जो इस खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे उनके कर कमलों द्वारा आपको गोल्ड मेडल के साथ साथ सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। इसमें खेलने या रजिस्ट्रेशन कराने का आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना है। प्रिय विद्यार्थियों, ग्रुप खेलों में भी जीतने वाले सभी टीमों को आदरणीय प्राचार्या, आदरणीय प्रबंधक महोदया एवं आदरणीय मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा आपको ट्रॉफी भी प्रदान किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इंडिविजुअल खेलों में बाहरी जो
महाविद्यालय है उनके छात्राओं को मौका नहीं दिया जाता है। यानी इंडिविजुअल गेम में इस महाविद्यालय की यानी वीकेएम की छात्राएं ही पार्टिसिपेट करती हैं, साथ ही साथ ग्रुप खेलों में कई बाहरी टीमें भी प्रतिवर्ष भाग लेती हैं, जैसे मुख्य रूप से कबड्डी और हम वॉलीबॉल की बात करें। कबड्डी और वॉलीबॉल में बाहर की टीमों में मुख्य रूप से महिला महाविद्यालय बीएचयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की टीम, धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय की टीम, एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू इत्यादि जो बाहरी कॉलेज हैं उनकी टीमें भी इस दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यूजी और पीजी दोनों क्लासेस की छात्राएं पार्टिसिपेट कर सकती हैं, नाम दर्ज करा सकती हैं, खेल सकती हैं। इसके साथ ही साथ छात्राओं को खेल के प्रति उत्साहवर्धन करने के लिए, उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, उन्हें खेल के प्रति बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय द्वारा खेल जगत के जाने माने खिलाड़ियों को भी प्रतिवर्ष आमंत्रित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यही कारण है कि महाविद्यालय में सभी खेलों में मिलाकर हजारों छात्राएं पार्टिसिपेट करती हैं। मैंने अपने तरफ से विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ सूचनाएं आपको चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप वसंत कन्या महाविद्यालय की स्पोर्ट्स कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार।